हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। एक सेकेंड रुके गाइज, अभी वेट हो रहा है दोनों ही प्लेयर्स का ज्वाइन करने का। जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड थोड़ा एसेट्स वगैरह भी मैंने सेटअप नहीं होता, एवरीथिंग हैपेंड सो सडनली। बट एनी वेज, सबका स्ट्रीम पे स्वागत है। माई फर्स्ट रोटू वाला स्क्रीम्स का स्ट्रीम एंड द प्लेयर्स हैव स्टार्टेड टू ज्वाइन जिनका जमा आ चुका है। सो जस्ट गिव मी वन सेक, आई विल बी राइट बैक। एंड आई गेस इसी के साथ पहला मैच शुरू होने वाला है। प्लेयर्स रेडी हो चुके हैं, लेट्स सी। तो कौन कौन है फिलहाल स्ट्रीम पे? जो लोग भी हैं सभी का स्ट्रीम पे स्वागत है। एक सेकेंड रुकिए, जब स्क्रीन चेंज होगी, जब सीन चेंज होगा, तब आप मेरे को भी देख पाएंगे, बैटलफील्ड को भी बेटर तरीके से देख पाएंगे। मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, आई हैव ट्राई टू मेक इट अ लिटिल बेटर। मतलब मेरे हाथ में जो था लास्ट मोमेंट पे, मैंने वो करने का कोशिश किया है। सौरभ चेक चक्रवर्ती वाइमुन ओपी एंड मयूरेश मयूर प्लेज एंड अंजल गेमर। हेलो गाइज, सभी लोग का स्ट्रीम पे स्वागत है। मुझे यहाँ पर भी अपना फेस कैम ऐड कर देना चाहिए, जस्ट होल्ड ऑन। ओ एनीसी के साथ द गेम इज बिगनिंग, तो चलिए स्विच करते हैं। एंड हे एवरीवन, हेलो। तो इसी के साथ पहला मैच यहीं पर शुरू होता है। एज वी कैन सी द गार्डियंस टाइटंस वजीटा के पास है बेओ एंड जिन का जमा अमायरा लेके यहाँ पर खेलते हुए। एलफांटा से उन्होंने शुरुआत की है एंड इंस्टेंटली उनके ऊपर वहां पर शेखावर का वार किया गया है। एक सेकेंड रुके गाइस, फेस कैम इज नॉट दैट क्लियर। चलो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सैंड स्टॉर्म का वहाँ पर यूज़ किया गया था शेखावर के वो डिफेंड करने के लिए, ताकि वाइकिंग एम्बुशन उनको उतना इजीली ना फिनिश कर पाए। काफ़ी हद तक वहाँ पर टावर को उन्होंने डैमेज दे दिया है कजामा ने। एंड गरुड़ा इज बींग यूज फॉर डिफेंस, काफ़ी प्यारा यहाँ पर डिफेंस जरूर किया। चार्ज अभी फिलहाल उनको नहीं मिलेगा। एंड माया, एंड इसी तरह बहुत इजीली माया यहाँ पर गरुड़ा को खत्म कर सकते हैं, खत्म करके अपना उसका रूप ले सकती है। बर्नहिल्ड पीछे से वहां पर छोटे छोटे यूनिट्स जो स्पैम करे जा रही है, बिल्डअप हो सकता है बहुत जल्दी, बट नहीं, काफी अच्छा वहां पर माया का जो यूज बर्नहिल्ड को वहां पर खत्म किया, नहीं तो बहुत इरिटेट कर सकती थी बर्नहिल्ड। बर्सर्कस का एंट्रेंस, सामने से सिपाही आते हुए बड़ी बड़ी अपनी भालाएं लेके यहाँ पर अटैक करेंगे एंड बर्सर्कस को फिनिश कर दिया गया है। एलिफेंटर्स स्टिल सर्वाइविंग। दूसरी टावर पे भी यहाँ पर फुल पावर इनका अटैक जाता हुआ। आई एम नॉट श्योर इफ गेम साउंड यहाँ पर अवेलेबल है। वरुणा से यहाँ पर शेकावर को डिफेंड किया एंड एलिफेंटर्स को वरुणा भी यहाँ पर बहुत ईजिली फिनिश करेंगे। वरुणा अप्रोचिंग टावर, साथ में पीछे से दो वाइकिंग एम्बुशर्स सैंड स्टॉर्म से उनको रोकने की कोशिश एंड इसी के साथ अमायरा ने अपनी फर्स्ट स्किल परफ्यूम ऑफ टेम्पटेशन यहाँ पर यूज किया। काफी अच्छे तरीके से उनको जो कुछ सेकंड का वो जो कंफ्यूजन था, दैट वाज मोर देन इनफ। अब गरुड़ा आगे यहाँ पर मूव करते हुए डिफेंड करने के लिए एल्फ हंटर्स को भेजा जा गया है एंड आई गेस ओवरकिल हो गया ये गरुड़ा के ऊपर। अब यहाँ पर देखना है, काफी काफी ज्यादा यहाँ पर जिनका जामा वेजिटा की टावर को डैमेज यहाँ पर दे चुके हैं। जोरावर को बुलाया गया है, जोरावर इज एंटर द बैटल फील्ड। साथ में यहाँ पर ट्विन्स भी, दोनों भाई यहाँ पर आ चुके हैं। जोरावर की हीलिंग के लिए वहां पर सपोर्ट उनको भेजा जाएगा एंड एक तरफ से ट्विन को डिफेंड करने के लिए सिपाही। काफी प्यारा वहां पर परफ्यूम जरूर चलाया गया है। बेओ को वहां पर कंफ्यूज कर लिया गया, वरुणा वहां पर कंफ्यूज। काफी प्यारा यहाँ पर ये डिफेंस जो देखने को मिलेगा। वाइकिंग एम्बुशर छोड़े गए गरुड़ा पे एंड बहुत ही अच्छा वहां पर सक्सेसफुली गरुड़ा को वो फिनिश करेंगे। एंड इसी के साथ यहाँ पर ओ बर्सर्कस, बर्सर्कस को तो मतलब ऐसे साफ कर दिया जैसे कि मतलब ओहो, टेबल साफ की जा रही थी। इसी के साथ पहली वो अपनी टावर तोड़ चुके हैं एंड यहां पर ये बैटल खत्म। तो वन मेडल विक्ट्री कजामा की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट रूम का देखते हैं। 14 पीपल, जो लोग भी देख रहे हैं आप सभी लोग का स्ट्रीम पे स्वागत है गाइस। मैंने नोटिस नहीं किया, अभी अभी मैं नोटिस कर रहा हूं, तो सभी लोग का स्वागत। इसी के साथ सेकंड मैच भी यहां पर चालू होता हुआ।
आइए तो इस वक्त करंटली जिन कजामा 1 से लीड पे। लाइव नहीं है ये, लाइव है ब्रो मनु अग्रवाल। चलिए दोनों ही प्लेयर्स एंड जिन वहां पर सीपी अपनी बर्न करते हुए, मेरे ख्याल से डिफेंड उनका करने का प्लान है कि डिफेंड के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना चाहेंगे। अभी तक भी उन्होंने कुछ रिलीज नहीं किया है, बट इसी के साथ जोरावर का आगमन, वाइकिंग एम्बुशर को भी उन्होंने छोड़ा है एक काफी मतलब वाइकिंग एम्बुशर वेंट द रॉन्ग वे, टावर की तरफ रश करते हुए नजर आएंगे एंड एल्फ हंटर को इजीली वहां पर सफाया करके जोरावर टावर की तरफ मूव करेगा। वरुणा को भेजा गया है डिफेंड के लिए। डिफेंस जैसे कि हम जानते हैं वरुणा काफी इजीली वहां पर डिफेंस कर सकता है जोरावर को, एंड माया का बहुत ही प्यारा उपयोग, जोरावर का रूप ले लिया है माया ने। इसी के साथ वरुणा और जोरावर का ये जो कॉम्बो हेड डाउन कर रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसको रोकना, बट नहीं, सेम सॉर्ट ऑफ एक डिफेंस वहां पर यूज किया गया एंड डबल वरुणा का कॉम्बो अब इसी के साथ फुल पावर अंदर घुस रहा है। अब मायरा को भी वहां पर रिलीज किया गया है एंड एक काफी प्यारा वहां पर पुश बिल्ड करने की कोशिश। बियो ने वहां पर बहुत ही अच्छा एक स्लैश शेखावर गुलो, मतलब शेखावर जो थे उनको पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ, दे केम एंड दे वेंट। अब यहां पर थोड़ी सी एक एडवांटेज बेओ के साथ, वहां पर बर्सर्कर्स का भी यूज, काफी अच्छा डैमेज देंगे टावर को एंड इसी के साथ वो टावर वहां पर इजीली ले ली जाएगी। बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में यहां पर मेरे को नजर आ रहे हैं जिन, क्या यहां पर वो डिफेंड कर पाएंगे इस पुश को, काफी ज्यादा डैमेज ले चुके अपने टावर पे बेओ करंटली। वहां पर जो डिफेंसिव स्टांस है बेओ का, उनको काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसके कारण वहां पर बर्सर्कर्स ने बहुत देर तक उस टावर को अच्छा खासा डैमेज दिया। अब देखना है कि यहां से कजामा कैसे इस मैच को निकाल पाएंगे, क्योंकि काफी दोनों तरफ से ऑलरेडी एक तरफ से पूरा डैमेज दे चुके हैं और वो जो कीप टावर है इट्स ऑन इट्स लास्ट लेग्स। जैसे कि हम देख सकते हैं वरुणा को वहां पर क्रिस क्रॉस छोड़ा गया है शेखावर को फिनिश करके, राइट साइड की तरफ वरुणा कुछ पुश करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से यहां पर फिर से एक पुश बिल्ड की जा रही है, क्या ये सक्सेसफुल होगी पुश बिल्ड करना? वाइकिंग्स मिड का यहां पर यूज जो हमने देखा था, जो वरुणा के ऊपर भी यूज किया गया था, उसी के साथ यहां पर ट्विंस भी रिलीज होके आ रहे हैं। लास्ट 15 seconds यहाँ पर इस मैच के अंदर जो बचे हुए हैं, पुश मारने की बहुत जरूरत। ये मैच ऑलरेडी हम देख सकते हैं वेजिटा के तरफ जाता हुआ, देयर इज नथिंग मच कजामा कैन डू राइट नाउ। तो एक मतलब डिफेंस तो उन्होंने बट काफी प्यारा किया, 3 मेडल विक्ट्री नहीं लेने दिया बट एक सिंगल मेडल विक्ट्री जरूर यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे वेजिटा। इसी के साथ स्कोर 1-1 का होता हुआ तो चलिए अब ये फाइनल लाइक मैच होने वाला है इस राउंड का, लेट्स सी। तो एक बार कमेंट्स भी मैं चेक कर लेता हूँ। नर्फ जिन कजामा लाइव है, नहीं लाइव में जिन क्लैन में हूँ, इट्स ऑल रिकॉर्डेड, 1 मिनट डिफरेंस क्लैन में। अरे भाई गाइज लाइव है, देर इज नथिंग सच एज रिकॉर्डिंग, लाइव मैच है, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मेरे मेरी आवाज तो आ ही रही होगी ना। अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए ये होगा एक डिसाइडिंग मैच, दोनों ही प्लेयर्स 1-1, एक एक सिंगल मेडल विक्ट्री दोनों के पास। वेजिटा का ट्रिपल मेडल विक्ट्री वाज वेरी क्लोज दो, काफी पास आ गए थे वो, काफी ज्यादा उन्होंने वहां पर उस टावर को भी डैमेज दे दिया था। दोनों तरफ से एल्फ हंटर्स एक दूसरे का सामना करते हुए, बर्न हिल को भी यहाँ पर छोड़ा गया है। बर्न हिल जैसा कि हम जानते हैं काफी इरिटेटिंग हो सकती है, लाइक मेरे को तो बहुत इरिटेट करती है यार बर्न हिल, मेरे को पसंद ही नहीं। शेखावर और गरुड़ा इन डिफेंस, शेखावर को सीधा बर्न हिल पे वहां पर टारगेट किया गया, इजिली वहां पर बर्न हिल को साफ करेंगे एंड नाउ दे विल बी हेडिंग ऑन टूवर्ड्स द टावर। माया को वहां पर गरुड़ा ने स्पॉट कर लिया, इसी के साथ यहां पर गरुड़ा एक हल्का अच्छा खासा डैमेज देने में बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। अपने AK-47 धड़ाधड़ वो गरुड़ा ने जो चलाई वहां पर, आधी से ज्यादा एचपी उस टावर की ले गए। बियो
बर्सर्क इज मूविंग इन फुल पावर सामने से, सिपाही फॉर डिफेंस, जैसा कि हम जानते हैं सिपाही एक स्टन का चांस रहता है, तो इसलिए बर्सर्कर के अगेंस्ट में इट्स अ प्रीटी मच गुड ऑप्शन, क्योंकि बर्सर्कर से ज्यादा एचपी भी उनकी रहती है, एंड एक तरीके से जो अटैक डैमेज है जिससे बर्सर्कर को वहां पर काफी इजिली, जैसे अभी हमने देखा कि वहां पर रोक दिया गया। एंड इसी के साथ बर्न हिल फिर से वहां पर छोड़ी गई है, शेखावर एंटरिंग इन टूवर्ड्स द टावर, बट दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स बर्न हिल, एंड बर्न हिल को वहां पर बहुत ही इजीली समाप्त किया गया। माया वहां से जो आई थी, माया ने काफी अच्छा एक टारगेट बनाया उनका, एंड जिसके साथ शेखावर आर नाउ ओ एंड इसी के साथ वहां पर पूरा अच्छा खासा एक डिफेंड कर लिया है वैसे वेजिटा ने करंटली। फिलहाल जैसे कि हम देख सकते हैं कजामा इज ऑन द बेटर साइड, वहां पर काफी एक लीड है कजामा के पास। बट यहाँ पर वाइकिंग्स मेड का यूज फाइनली कर लिया गया है, एल्फ हंटर्स और ट्विन्स वाइकिंग मेड के यूज के साथ उनको रिलीज किया गया। अब यहाँ पर एक तरफ में बेवुल्फ जा रहे हैं, एग्जैक्टली ऑन द अदर साइड जहां पर अमायरा और जोरावर मौजूद है, उसके दूसरी तरफ वहां पर गए हैं बेओ, एंड डिफेंस मोड में लगाते बेओ पीछे से वहां पर उन्होंने घुसना पसंद किया, तो एक तरीके से उनकी पूरी फोर्स जहां पर नहीं चाह रहे थे वहीं पर गैदर हो गई है। लेफ्ट साइड में बेओ को भेजना चाहते थे बट अमायरा को टारगेट कर लिया बेओ ने। ओ एंड इसी के साथ वहां पर वो पुश घुसता हुआ, परफ्यूम भी वहां पर लगा दिया गया था, काफी प्यारा वहां पर उस परफ्यूम से जो उन्होंने कंफ्यूज किया अपनी एनिमी ट्रूप्स को, एंड इसी के साथ फिर से एक सिंगल मेडल विक्ट्री लेके जाएंगे जिन कज़ामा। वंडरफुल प्ले, काफी प्यारा उन्होंने वहां पर शुरू से वो जो डैमेज दिया था फिर उसके ऊपर उन्होंने प्रेशर वो जमाए रखा, सो दैट वाज अ नाइस वंडरफुल थिंग जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली, उसी के कारण थर्ड मैच को भी लेके जाते हुए देखेंगे। तो इसी के साथ चलिए एक छोटा सा ब्रेक, वी विल अगेन बी बैक विद द नेक्स्ट मैच, एंड गाइस लाइव है मेरे भाई, अननोन बॉय आरटीवी लाइव है मेरे ब्रो। हाँ चलिए एक सेकेंड रुकिए।
हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। अब आ रही होगी ना वॉइस? अरे हेलो, अब आ रही आवाज? तब शायद थोड़ी दिक्कत हो रही थी, अब शायद आवाज आ रही होगी। एक सेकंड में अभी वापस आया। ओके, तो मैं आ गया वापस। तो वैसे किसको डाउट हो रहा था यार कि लाइव नहीं है? एंड जिनका जवाब ब्रो, वेल प्लेड ब्रो, मस्त था। तो नया मैच का वो भी आ गया कोड। चलो नेक्स्ट मैच भी स्टार्ट हो रहा है, आ जाओ, लेट्स गेट इन। अभी भी मैं इसका लाइव स्ट्रीम का वैसे मैंने बैकग्राउंड वगैरह नहीं बनाया, ये मतलब जो काफ़ी कुछ मेरे को बनाना है, वेल किसी और को बनाना था, वो मुझे मिला नहीं। एंड हेलो प्रकाश भाई, कैसे हो? वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। मन्नू अग्रवाल, मेरे को डाउट था। अरे कोई बात नहीं ब्रो, मैं हूं ना, मैंने क्लियर कर दिया डाउट, अब क्या है। चलिए नेक्स्ट मैच अभी स्टार्ट होने ही वाला है। एंड हियर वी गो। तो यहां पर गार्डियंस का जो चुनाव है, वासी के पास अगीरा एंड अमायरा इज बीइंग यूज्ड बाय बोथ माय एरोस। तो चलिए देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है यह मैच। मैं टॉप 8 में होता लेकिन मेरे ओपोनेंट ने स्कोर। तो यहां पर एल्फ हंटर्स का यूज, एल्फ हंटर्स को राइट टू लेफ्ट वहां पर छोड़ा जाएगा। गरुड़ा का काफी अच्छा, मेरे ख्याल से ओवर किल हो गया एल्फ हंटर्स के लिए, बट ठीक है, अच्छा है। वहां पर गरुड़ा साफ भी कर देंगे एंड टावर को भी डैमेज दे देंगे। शिकावर को वहां पर यूज किया गया टू फिनिश गरुड़ा, क्वाइट अ ब्यूटीफुल डिसीजन। अब गार्ड टावर की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे यहां पर शिकावर। गार्ड टावर की पहले से एचपी कम है। एंड मुशाशी, ये मुशाशी जो कैरेक्टर है, माँ कसम बहुत खतरनाक कैरेक्टर है। एंड जोरावर को यहां पर छोड़ा जाएगा इन ऑर्डर टू गेट मुसाशी आउट ऑफ द वे। तो यहां पर मुसाशी वर्सेस जोरावर, फिलहाल जोरावर विंस। एल्फांटस का वहां पर यूज, एल्फांटस को मतलब थोड़ा सा और बाद में मेरे ख्याल से छोड़ना चाहिए था, नहीं तो अभी एल्फांटस वहां पर बहुत इजीली फिनिश हो सकते हैं। एंड परफ्यूम ऑफ टेम्पटेशन, सिर्फ जोरावर अकेले के ऊपर वहां पर मेरे को लगता नहीं ज्यादा किसी कमाल का था वहां पर परफ्यूम ऑफ टेम्पटेशन। तो वहां पर एंड डिफेंड तो वहां पर कर लिया गया है। इसी के साथ वरुणा का यहाँ पर फिर से यूज, वरुणा वर्सेस वरुणा यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड फ्लशाक, दोनों ही वरुणा एक दूसरे को पीछे धकेलते हुए, मतलब दोनों ही प्लेयर क्या ही सिंक में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। वहां से दोनों ने ही माया छोड़ी थी, बट ये माया पास में थी, तो वहां पर डबल वरुणा का अब यहां पर हम लोग को देखने को मिलेगा अटैक। बोथ ऑफ देम विल बी मूविंग इन टुवर्ड्स द टावर। मुशाशी को वहां पर छोड़ा गया, जो कि एक वरुणा को तो बहुत इजीली ले सकते थे, बट उनको फेंक दिया जाएगा। एंड इसी के साथ ये एक पुश यहां पर डेवलप होता हुआ हमको दिखाई दिया है, बहुत ही खतरनाक यहां पर एक पुश डेवलप किया है बो ने। एंड इजीली वहां पर एक टावर को कंप्लीटली अनहाइलेट वहां पर करते हुए नजर आएंगे। काफी प्यारा है वो जो पुश वहां पर बिल्ड हुआ था, एंड पुश वाज कैपिटलाइज्ड ऑन, उस पुश पे काफी प्यारा उन्होंने कैपिटलाइज भी किया। गरुड़ा को वहां पर पीछे से, गरुड़ा आ रहे थे तो उनके साइड से वहां पर शिखावर छोड़ दिए, ये सोच के शायद गरुड़ा वहां पर थोड़ी देर तक अपने आप को मैनेज कर लेगा, बट बेंके को छोड़ा गया है साथ में अमायरा को भी ऑन चार्ज, एंड गरुड़ा को भी वहां बिठा दिया गया है। क्या यहाँ पर एक और पुश देखने को मिल सकती है? यहाँ पर एक पुश बिल्ड की जा रही है डेफिनेटली फॉर श्योर। मेरे ख्याल से जोरावर को छोड़ा जाएगा अब यहाँ पर इसके साथ। है ना, मायरा का परफ्यूम ऑफ टेम्पटेशन वरुणा पे वो किया है काम, एंड वरुणा प्योरीफाई जरूर हो गए थे, बट उन्होंने गरुड़ा को वहां पर इजीली फिनिश किया, क्योंकि गरुड़ा पे भी वो परफ्यूम ऑफ टेम्पटेशन अफेक्ट कर गया था। बट जिस तरीके का यहां पर ये जो पुश अप डेवलप हो गया है, नाउ इट्स गोना बी अ वेरी हार्ड टाइम डिफेंडिंग इट। क्या यहां पर वासी इस पुश को डिफेंड कर पाएंगे? आई डाउट इट, मुझे बहुत बड़ा डाउट है। बट इसी के साथ टाइम की वो जो किल्लत, टाइम यहां पर समाप्त होता हुआ, एंड द फर्स्ट मैच गोज टू बो।
थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है भाई। हाँ अरे ब्रो एक्चुअली आरटीवी में पहली बार ऐसे स्ट्रीम कर रहा हूँ ना, और ये पूरा सेटअप मैंने ही किया है, तो मेरे ख्याल से उसके वजह से कोई रीजन है जिसके वजह से फ्रेम ड्रॉप कर रहा होगा, मैं देखता हूँ। हाँ यार फ्रेम ड्रॉप तो हो रहा है, मेरे को भी इसमें बता रहा है कि फ्रेम ड्रॉप कर रहा है। अभी अगर मैं इसको बंद करने गया तो मेरे को स्ट्रीम रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं ये वाले राउंड के बाद एक बार इन लोगों को बोलता हूँ 1 सेकंड के लिए पॉज करने, और मैं फिर देखता हूँ, नहीं तो इस मैच के बाद वाले मैच में मैं देखता हूँ अगर मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली आरटीवी 30 FPS का गेम है ना, एंड गेम इसकी सेटिंग 60 FPS है, जिसके कारण वहां पर रेंडरिंग के उसमें फ्रेम्स का वो चक्कर। एंड इसी के साथ वहां पर माया, वरुण रूपी माया को शेखावर से मारने की कोशिश, बट बहुत ही प्यारे तरीके से अपने आप को डिफेंड किया। एंड मुशाशी अभी फिलहाल यहां पर वासी ने ज्यादा डैमेज दिया हुआ है अपनी एनिमी की टावर पर, बट मेरे ख्याल से ये गरुड़ा उसको इक्वलाइज करते हुए नजर आ सकते हैं अगर उनको सही टाइम पे फिनिश नहीं किया गया। बट एलिफेंटस का यहाँ पर काफी प्यारा इस्तेमाल, एंड दे विल इजीली फिनिश गरुड़ा एंड गेट ऑन मूविंग टू द पाथ, बट इक्वलाइज तो कर ही दिया है वहां पर गरुड़ा ने काफी हद तक। सेटअप अच्छा है, अरे थैंक यू ब्रो, बाय द वे नेग्लिजिबल है, रहने दो। अच्छा ठीक है ब्रो चलो। एंड इसी के साथ शेखावर पे यहाँ पर प्योरीफाई भी इस्तेमाल किया गया, शेखावर कंप्लीटली यहाँ पर टावर के ऊपर घुस गए। पीछे से वहां पर एल्फ हंटर भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वहां पर डैमेज देते हुए नजर आ सकते थे, बट नहीं, गरुड़ा का वहां पर जो इस्तेमाल किया गया, एल्फ हंटर्स विल बी वाइप्ड एंड माया इज मूविंग इन, एंड माया ने वहां पर काफी इजिली गरुड़ा का रूप लिया। शेखावर फॉर डिफेंस, खत्म कर देंगे आराम से वहां पर गरुड़ा को, शेखावर के लिए नो बिग डील। एंड जैसे कि मैंने बोला था मुशाशी, यार मुशाशी एक अलग ही चीज है, एक अलग ही प्राणी है वो। ओके आई गेस मेरा फेस कैम भी बंद था, ये मैंने रियलाइज ही नहीं किया। इसी के साथ 788 लाइफ सिर्फ बची हुई है, मुशाशी भी यहाँ पर, ओ ऑलमोस्ट मुशाशी घुस चुके थे, बट शेखावर का यहाँ पर बेहतरीन जो एंट्रेंस एंड बैंकाई से उनको वहां पर डिफेंड करेंगे। शेखावर को वहां पर प्योरीफाई भी बहुत ही प्यारे एक मोमेंट पे किया था, बट उसका वहां पर ज्यादा उनको फायदा नहीं होने वाला है। अमायरा को भी उन्होंने वहां पर बुला लिया है, अमायरा अब अपने अलाइज को कॉन्स्टेंटली वहां पर हील करती हुई नजर आएंगी। तो चलिए यहाँ पर बेंके जो कि, ओ एंड यहाँ से एक बहुत ही प्यारी अल्टी हुई आती हुई नजर आ सकती है। क्या मायरा इसको सरवाइव कर पाएगी? अगर मायरा ने इसको सरवाइव कर लिया तो बाकी सब ट्रूप्स भी सरवाइव कर जाएंगे, एंड आई सी के मायरा हैज सरवाइव्ड इट बेयरली, दैट निक ऑफ एचपी, वो जो निकल एचपी पे वहां पर सरवाइव कर रही है मायरा, उसके कारण वहां पर सारे यूनिट्स बहुत ही बेहतरीन एचपी में। ओ पुश ऑलमोस्ट घुस चुका था, वेरी क्लोज, वो टाइम की किल्लत ने वहां पर, ओहो काफी इंटरेस्टिंग मैच था, काफी प्यारा मैच था ये, ब्यूटीफुल यहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाई। एंड ये क्या हुआ, हम कहाँ गए रूम से? ये क्या है यार, रूम कहाँ गायब हो गया? ये क्या मजाक है, ऐसे रूम तो नहीं गायब होता यार। अपना DND का बटन कहाँ है? DND ऑन करें जो, ये रहा। वाइमुन गेमिंग जी, हाँ ब्रो जी, तो मैं ये देख रहा हूँ वासी, अगर आप में से कोई है मेरे को रूम का बताइए, क्या सीन है, रूम कहाँ गायब हो गया? ऐसे रूम भी गायब हो जाते हैं यार, क्या चल रहा है आरटीवी में?
तो वैसे जितने लोग भी हैं स्ट्रीम पे, आप सभी लोग का स्वागत है. ऑल द 11 पीपल हु आर वॉचिंग, वेलकम 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 टू द लाइव स्ट्रीम. प्लीज गाइज सब्सक्राइब क्लिक करना मत भूलिएगा. अगर आप यहाँ पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब क्लिक करिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर क्लिक करिएगा. अनोन आरटीवी किधर गए भाई? भाई मैं तो इधर ही हूँ. मेरे को बता रहा है कि रूम डज नॉट एग्जिट या रूम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. क्या सीन है? मैं उसी का वेट कर रहा हूँ इन लोग का. क्या ही चल रहा है? अगर कोई नया रूम बनाया तो उसका आईडी मेरे को पहुंचा दो. आई एम राइट हियर इन डिस्कॉर्ड. हेलो. कौन सा राउंड गायब हो गया? ये खेल रहे ना वो, ये लोग खत्म हो गए मार्जिन का. तो ड्रैग करता है. फर्स्ट मैच कैसा गया? फर्स्ट मैच का वो राउंड तीनों मैच लोग इसको ऊपर बोला था. अरे कहाँ भाग? फर्स्ट मैच ये जीता ना जिन का जमा, ठीक है. सेकंड मैच देखते कौन जीता. अब तेरा स्ट्रीम क्यों नहीं दिखा रहा मुझे? हेलो, आया क्या वो? नहीं आया क्या? क्यों हुआ भाई? भाई तुम्हारा मैच में कुछ हुआ था क्या प्रॉब्लम? ये उसका रूम सो नहीं कर रहा था अपने कास्टर के बैठा यहाँ से. ऐसा कैसे? मतलब हम तो थे, हमने चालू कर दिया था मैच. रिजल्ट यार कौन जीता तुम लोग? रिजल्ट डाल दो फिर. हाँ डाल दिया हमने, अभी डाला. ओ उसमें वो जीता ना, क्या नाम है, जिन जीता ना उसमें राउंड. हाँ उसमें जिन दी. इसको स्ट्रीम करना तो इनमें से कोई जीत, इसमें वो ये जीत गया, वहां से जीत गया.
एंड हे गाइस वी आर बैक फाइनल्स नॉर्डविन के आरटीवी की पहली कम्युनिटी कप स्क्रीम्स का फाइनल्स एंड हियर इट गोज जिन कज़ामा वर्सेस वासी. चलिए देखते हैं कैसा जाता है मैच. एंड यहां पर दोनों के गार्डियंस हम लोग को सिमिलर गार्डियंस देखने को मिलेंगे. आई होप मेरा साउंड जरूर जा रहा है स्ट्रीम पे. एंड एल्फ हंटर्स सिपाही छोड़े गए हैं एल्फंटस का सामना करने के लिए. इज दैट अ गुड डिसीजन? वी विल इमीडिएटली फाइंड आउट. चलिए देखते हैं. जहां तक मेरे को पता है डेफिनेटली दैट्स गोना बी अ गुड डिसीजन बिकॉज एल्फंटस वर्सेस सिपाही, सिपाही आर डेफिनेटली गोना विन. द एचपी रेशियो जो मार्जिन है यहां पर काफी ज्यादा डिफरेंस है. यहां पर जिन भाई तो खेले थे ना फिर से कैसे, वो सेमीफाइनल्स के मैचेस थे ब्रो. अभी ये फाइनल्स का मैच हो रहा है वासी और जिन का. सेमीफाइनल का लाइक सेकंड जो राउंड था वो वासी जीता था. एंड इसी के साथ वरुणा वहां पर फिर से अपने आप को डिफेंड करने में काफी ज्यादा इजीली. वरुणा मेरे को बहुत पसंद है यार. वरुणा, वरुणा के साथ शेखावर भी छोड़ दिया वरुणा मेरे ख्याल. एंड डिफेंस में भी वरुणा, बट प्योरीफाई उनको पहनाया हुआ है तो वो नहीं रुकने वाले. तो इट विल टेक लाइक फ्यू सेकंड्स. वरुणा का थोड़ा जरूर एक कुछ सेकंड्स लगेंगे बट यहाँ पर डबल वरुणा का पुश जाता हुआ नजर आएगा. एंड इसी के साथ यहाँ पर वरुणा रूपी माया सामने से भी माया आई बट फायदा नहीं होने वाला. एंड इस बार प्योरीफाई यूज किया गया था दोनों ही वरुणा पे. बहुत ही ज्यादा खतरनाक वहां पर जो डैमेज एल्फंटस देते हुए नजर आए बट टावर की एचपी बहुत ही कम यहां पर कर चुके हैं कज़ामा. वासी इन अ लिटिल बिट ऑफ डेंजर. वासी यहां पर काफी डेंजर में क्योंकि काफी ज्यादा डैमेज खा चुके हैं. 641 डैमेज तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा यहां पर जिन के लिए फिनिश करना. लास्ट 57 सेकंड्स, लास्ट मिनट इस गेम का यहां पर चालू हो चुका है गाइस. इंटेंसिटी यहां पर हैज बिगन. जोरावर को छोड़ा गया है क्योंकि जोरावर यहां पर काफी देर तक गेम को रोक के रख सकते हैं. हमको पता है जोरावर हैज दैट पावर दैट कैपेबिलिटी. वो शाशी घूम के पीछे जाते हुए कार टावर को भी वहां पर लगा दिया गया है रोकने की. वहां पर वो जो कोशिश संचारियट को वहां पर छोड़ा जाएगा. एंड इस तरफ से डिफेंस में भी संचारियट को छोड़ा जाएगा. एंड इजीली वो संचारियट एक टावर वहां पर कंप्लीटली ले जाएगा. लास्ट के यहां पर कुछ सेकंड्स मौजूद है, 20-25 सेकंड. गरुड़ा को छोड़ा गया है. गला अटक गया मेरा. बहुत ही इंटेंस सिचुएशन यहां पर. 479 डैमेज लास्ट के 5 सेकंड. क्या यहां पर उस डैमेज को ले पाएंगे? मेरे ख्याल से यहां पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जिन कज़ामा अपने आप को डिफेंड करते हुए ये एक सिंगल मेटल विक्ट्री यहां पर जिन के नाम. आइए चलिए देखते हैं क्या होने वाला है इन द रेस्ट ऑफ द राउंड्स. मैं अपने एसी ऑन कर लेता यार. ऑन हुआ क्या एसी? हाँ हो गया. चलिए और ये लाल ग्लो इस बैटलफील्ड का. कार टावर को वहां पर बैठाया गया. करोड़ा को सीधा वहां पर छोड़ा गया है टावर को डैमेज देने के लिए. वासी के एल्फंटस वहां पर गरुड़ा को खत्म करके आगे मूव करते हुए नजर आएंगे. अब यहां पर क्या स्ट्रेटजी मिले एल्फंटस को तो वहां पर डिफेंड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है. एल्फंटस वर्सेस एल्फंटस की सिचुएशन मेरे को यहां पर नजर आ रही है. शिखावर को मेरे ख्याल से उनके साथ छोड़ा जा सकता है. ओ एंड यस शिखावर वर्सेस शिखावर यहां पर डिफेंस. एंड इसी के साथ यहां पर मेरे को मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है जिनके लिए. बट वो माया का बहुत ही बेहतरीन यूज गरुड़ा को वहां पर. ओ एंड नाउ दैट इज गोना बी ट्रबलसम बट लकीली
ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए गरुड़ा, गरुड़ा का वहां पर इजीली वाइप कर दिया गया है। दैट वाज एन इजी वाइप आउट। क्या लगता है इस बार यहां पर वासी के पास एक ज्यादा बेटर लीड है? अब यहां पर डिपेंड करता है कि कौन पहले वो पुश बिल्ड करता है या कौन पहले सही से यहां पर अपने आप को सही से डिफेंस करने में लाइक सक्षम रहता है। किसी की भी एक गलती यहां पर लाइक वासी अभी फिलहाल काफी अच्छी लीड में है, मेंटेन कर सकते हैं। एक छोटी गलती उनकी वो लीड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये जो म्यूजिक भी साथ में आ रहा है इस बैटलफील्ड के, काफी इंटेंस ये म्यूजिक। गार्ड टावर थोड़ी सी लेफ्ट में है, शेखावर एंड मुसाशी। अरे मुसाशी का जो स्लैश है ना, जब मुसाशी अपना स्लैश मारता है, क्या खतरनाक स्लैश मारता है। तो लाइक अगेन वो मुसाशी का प्यारा सा स्लैश। जोरावर यहां पर उनके सबके सामने से दौड़ के जाएंगे। एंड नाउ वी नो यहां पर जिन कजामा क्या करना चाहते हैं। राइट साइड के टावर पे वो पुश देना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि एनिमी लेफ्ट साइड की तरफ पुश ही ना कर पाए। गरुड़ा यहां पर, गरुड़ा को यहां पर काफी फायदा होने वाला है। एंड द मुसाशी स्लैश इक्वलाइज कर चुके हैं इंस्टेंटली जिन कजामा वहां पर अपने उस टावर डैमेज कर, वो एक साइड की टावर ऑलमोस्ट वहां पर ले चुके थे, बट माया लास्ट सेकंड आके वहां पर लेके जाएंगे जोरावर को। यहां पर लगता है शायद हमको स्ट्रैटेजी पता है, एंड इसी के साथ वो इजीली उस टावर को डिस्ट्रॉय करेंगे लास्ट के कुछ सेकेंड। 3-2-1 एंड इसी के साथ अगेन अ सिंगल मेडल विक्ट्री। यहाँ पर काफी प्यारा ये मैच था, काफी इंटेंसिव मैच था लास्ट की तरफ। मतलब वासी ने काफी लीड मेंटेन कर रखी थी, बट जो वहां पर जिन कजामा ने जो वहां पर बेहतरीन वहां पर जो स्ट्रैटेजी लगाई, राइट साइड के टावर को डैमेज देते गए एंड फोर्स किया अपने एनिमी को लेफ्ट साइड के टावर को इग्नोर करके राइट साइड पर डैमेज देने को, वो जो लास्ट मोमेंट का वो जो गेम प्ले प्लान चेंज था, दैट वॉज समथिंग लवली। हाँ तो चलिए इसी के साथ दैट वाज द फाइनल मैच। मुझे भी काफी मजा आया, दिस वाज माय फर्स्ट स्ट्रीम फॉर रोड टू वैलर्स, रोड टू वैलर के स्क्रीम्स स्पेशली। तो गाइज भूलिएगा मत, रजिस्टर करिएगा, अगेन ज्वाइन करिएगा, दिस आर गोना बी हैपनिंग एवरी वीक। तो आप लोग को पता ही है कहाँ पर रजिस्टर करना है, वहीं से आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो लेट्स सी यू गाइज अगेन नेक्स्ट वीक, आई विल बी देयर। मजा आया मेरे को तो बहुत मजा आया। तो चलो सी यू गाइज अगेन सून, बाय बाय, टेक केयर फॉर नाउ, वापस मिलते हैं। मुझे भी डिनर करने जाना है, यहाँ पर क्या बोलते हैं बंगालीज का जो न्यू ईयर है वो चल रहा है, तो टुडे इज बंगाली न्यू ईयर, तो उसी की वजह से अभी आई विल ऑल्सो टेक माई लीव जल्दी जल्दी। आप लोगों से बाद में मिलूंगा। जितने भी लोग आए हुए हैं गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर द सब्सक्राइब्स, जी जी ग्रेट गाइज, चलिए मजा आया, आई एम ग्लैड कि लोगों को भी मजा आ रहा है। आई होप टू सी बेटर रिस्पॉन्स, मोर रिस्पॉन्स, एंड आई कैन गारंटी यू कि जैसे जैसे इन स्क्रिम्स में आप सबका रिस्पॉन्स एंड आप सबका जो अटेंडेंस वो बढ़ता जाएगा, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल कीप चेंजिंग, लॉट ऑफ प्लान्स यहाँ पर हैं। तो रिस्पॉन्स दिखाओ और ज़्यादा ज्वाइन करो, और जो तुम्हारे दोस्त लोग नहीं ज्वाइन किए, जो नहीं खेले इस वीक, उन लोगों को भी बोलो कि ज्वाइन कर खेलो, तब ना मजा आएगा। तो एंड इसी के साथ और भी काफ़ी कुछ 2v2 एंड और भी बहुत कुछ है अभी फिलहाल दिमाग में। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, आई विल सी यू गाइज अगेन इन माय नेक्स्ट स्ट्रीम। फिलहाल के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। भाई पूरी स्ट्रीम खत्म हो गई उसके बाद आ रहा तू है, तेरे लिए अभी मैं वापस आया हूँ स्ट्रीम एंडिंग हटा के बी राइट बैक पे। बहुत गलत किया यार तूने, बहुत गलत किया। चल अभी फिलहाल तो मैं चलता हूँ, गुड नाइट।